जनसेवा की दुहाई देकर नेता जनता से वोट मांगते हैं, उनकी सेवा करने का बड़ा बड़ा दावा भी करते हैं। लेकिन आज हम आपको झांसी की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आप नेताओं के दावे और वादे पर भरोसा कतई नहीं करेंगे। पहले आप इन तस्वीरों को देखें, उसके बाद हम आपको बताएंगे इसके पीछे की हकीकत। जी हाँ, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जिस दबंग शख्स को लात जूते चलाते देख रहे हैं, इस दबंग का नाम दिलीप पांडे है, जो खुद को पिछले 5 साल से सदर विधायक का प्रतिनिधि बताकर इसी तरह पूरे झांसी में लगातार लात जूते चला रहा है। दरअसल इन दिनों ठंड बहुत पड़ रही है, ऐसे में खुले आसमान के नीचे रहने वाले गरीब और असहाय लोगों को नेताओं से उम्मीद रहती है कि वहां आएंगे और उनको गर्म कंबल कपड़े देंगे। लेकिन झांसी के लाइट चौराहे पर जब एक मासूम बच्चा इसी उम्मीद को लेकर नेता के पास आया, तो नेता ने उसको गर्म कंबल देने की बजाय लात घूसों से नवाज दी। देखिए इन तस्वीरों में आप कैसे सदर विधायक का दबंग प्रतिनिधि दिलीप पांडे सरेआम एक बच्चे को लात मार रहा है। और किसी की भी हिम्मत ना हुई कि दिलीप पांडे की इस घिनौनी करतूत का कोई विरोध तक कर सके। न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी ऐसे दबंग नेताओं का खुला विरोध करता है जो जनता पर लात घूसे चला। फिलहाल इन तस्वीरों में आने के बाद सोशल मीडिया में इस दबंग विधायक प्रतिनिधि की जमकर आलोचना हो रही है। लेकिन पुलिस और प्रशासनिक अफसरों में इस दबंग विधायक प्रतिनिधि का इतना खौफ है कि इसकी हरकत पर कोई भी एक्शन लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। फिलहाल न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी इस मुहिम को तब तक चलाएगा जब तक इस दबंग प्रतिनिधि की करतूत के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही न हो जाए।